हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो, अभी 4 AM मॉर्निंग स्टडी चैलेंज चल रहा है एंड आज आपको कम्युनिटी पोस्ट लेट देखने को मिला होगा बिकॉज मैं लेट खुद सो के उठी हूँ और जब मैं लेट खुद सो के उठती हूँ तो मैं लेट ही कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ। ये इसलिए भी होता है ताकि आप लोगों को भी पता चलो कि चलो व्हाट इज़ दिस यार। कभी कभी मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है तो उसको एडजस्ट करना आई नो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हो रहा है। इसको मैं कट भी कर सकती थी बट कोई बात नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं और कि मैं भी लेट सो के उठती हूँ, कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ, कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है यार नहीं उठना सुबह, नहीं उठा जाएगा, बट ठीक है फिर वो चीज़ें याद करके उठना पड़ता है कि नहीं यार उठना है, पढ़ना है, ये करना वो करना है, बट कभी कभी चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा मिसमैच हो जाती हैं या यू कैन से कि जैसा आप प्लान्ड किए होते हो वैसा नहीं हो पाती है। सो या बस ऐसी होता है, बट ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ कि जो अपना रूटीन है वो मैं फॉलो करूँ और जो मैंने स्टडी चैलेंज बनाया है उसको जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट 90% 70% तो मैं उसको फॉलो ही करूँ एंड बाकी 10-20% इधर उधर होता है, कोई इशू नहीं है। सो सब कुछ करने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ MR सर के, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस और साथ के साथ रिवीजन कर रही हूँ। बाय द वे मेरा इस साल का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि PYQs पे है बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर, आप सभी को पता है, और जो लोग फ्रेशर हैं वो उनका तो बहुत ज़्यादा काम होता है भाई, नोट्स बनाना, पूरा का पूरा पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फ्रेशर्स के साथ ड्रॉपर का भी काम होता है, बट ये ड्रॉपर के लिए थोड़ा सा ईजी बोल सकते हो आप, और जो लोग नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए तो फिर बराबर ही है। सो ओवरऑल मेहनत सभी को करना है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करना है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाय द वे आप लोग का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बैच भी ज्वाइन नहीं करा है, जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपरेशन 2024 के लिए स्टार्ट भी नहीं करा, बिकॉज आपके कॉमेंट्स से पता चलता है मुझे कि हाँ ऐसे लोग भी हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, बहुत पैनिक हो रहा है। तो देखो टीचर्स तो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं और बताते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए कि अभी देखो नीट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुश्किल से आपके पास 6-7 months हैं जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ऐसे उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इतने टाइम में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लेंगे, जितना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा और लास्ट टाइम में आप पैनिक नहीं करेंगे। सो अभी तक जिन लोगों ने कोई बैच नहीं ज्वाइन करा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े और फिर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सिलेबस कम्प्लीट करें, सो अभी भी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म में टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है। ये ऑफ़र 3rd of September से स्टार्ट हुआ था और 12th September तक है। सो आप जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें जो बैचेस आपको मिलेंगे वो है यकीन 4.0, यकीन हिंदी 2.0, लक्ष्य फास्ट ट्रैक, अर्जुना फास्ट ट्रैक, और ये यकीन 4.0 ड्रॉपर्स के लिए है जिसका प्राइस है 3,200 rupees। इस बैच में आपको मिलेगा फ्री यकीन 1.0 प्लस 2.0 प्लस 3.0, तीन बैचेस आपको मिलेंगे इसमें। एंड सेम यकीन हिंदी 2.0 ये भी ड्रॉपर्स के लिए है, इसकी प्राइस है 2,300 rupees। इसमें आपको मिलेगा फ्री यकीन बैच हिंदी 1.0 प्लस 2.0। हाँ पता है, दिमाग में आ रहा होगा वाई दिस बैच फॉर ड्रॉपर्स। सो ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच है यकीन 4.0 जो आपका रोड मैप तैयार करता है 250 से लेकर 650 मार्क्स तक। लक्ष्य फास्ट ट्रैक ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, इस बैच का प्राइस है 3,000 rupees। इसमें आपको मिलेगा फ्री लक्ष्य 1.0 प्लस 2.0 प्लस 3.0। ये बैच आपका साथ देता है नीट की जर्नी कवर करने की इन क्लास 12th। अर्जुना फास्ट ट्रैक ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, इस बैच का भी प्राइस 3,000 rupees है। इसमें आपको मिलेगा फ्री अर्जुना 1.0 प्लस 2.0 प्लस 3.0। 11th में आते साथ ही स्टूडेंट्स घबराना स्टार्ट कर देते हैं, पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। सो ये बैच आपकी मदद करेगा। यकीन 4.0, यकीन हिंदी 2.0 ये बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ड्रॉपर्स के लिए हैं। लक्ष्य फास्ट ट्रैक ये 18th September से स्टार्ट हो रहा है और अर्जुना फास्ट ट्रैक ये भी बैच 18th September से स्टार्ट हो रहा है। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो और इन सारे बैचेस के प्राइस में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो, जो कि है ROL150। ठीक है, 150 बचा लेना, कुछ और कर लेना, उसमें एक रुपये की वैल्यू होती है, तो आप डिस्काउंट कोड जरूर लगाना। एंड इन ऑल बैचेस PW आपको
दे रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 डेज अ वीक एंड 3 लाइव लेक्चर्स पर डे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन पीडब्ल्यू ऐप। स्केड्यूल्ड टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। पॉकेट कोर्स फॉर क्लास 11th नीट जेईई बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिविजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्स भी अवेलेबल है इन ₹49 ओनली, जहां आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगे वन शॉर्ट वीडियोस एंड प्रैक्टिस शीट्स हैविंग 50 क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज। मॉड्यूल इच बैच हैज इट्स ऑन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेज यूजिंग माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड डोंट फर्गेट टू यूज माई कूपन कोड विच इज ROL150, जिससे आपको ₹150 का हर एक बैच पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये क्लास 1.5 घंटे का था, जिसे कंप्लीट करने में मुझे लगा 2.5 घंटे, बिकॉज साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उसमें टाइम लग रहा है। और उसके बाद मैं बाहर गई थी थोड़े से काम में, और बाहर का मौसम बहुत छक्कास हो रखा था। एज यू कैन सी अभी लाइट है नहीं बाहर से आने के बाद, तो अभी मैं शूट तो कर पाऊँगी नहीं, और मेरा बैकलॉग है, तो एक लेक्चर तब तक कंप्लीट करते हैं जब तक लाइट आती है, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद मुझे लॉन्ड्री का भी काम करना है, सो वो भी कर लेंगे एंड देन मिलते हैं जब लाइट आती है तब। वैसे यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। फिर काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ सोन पापड़ी। एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ी सी पेट पूजा कर लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी थी और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड लॉन्ड्री का काम करने के बाद भाई साहब मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो जाती है बॉडी में, बचती ही नहीं है एनर्जी। और जो लोग ये करते होंगे उनको पता होगा, बट ठीक है ना यार, अपना काम है तो करना पड़ेगा। सो या बाय द वे, किसको किसको सोन पापड़ी पसंद है मेरे को बताना कॉमेंट सेक्शन में। मेरे को तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है ऐसे नॉर्मली मिठाइयों में, कि हाँ ठीक है कुछ और नहीं खाते जिसमें ज़्यादा मीठा होता है। आई डोंट नो, इसमें ज़्यादा मीठा होता है नहीं होता है वो मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को पसंद है बस इसलिए खाती हूँ। फाइनली लाइट आ चुकी है और मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ ये वाला चैप्टर। एक्चुअली मैंने ये चैप्टर रिवाइज़ करा था, बट अभी आधा से कमी हो पाया है, बहुत सारा बाकी है। सो इसको रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ दिया था मैंने, तो मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि जो स्टार्ट करो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ो। सो इसलिए ये रिवाइज़ करने जा रही हूँ मैं। बाय द वे, आप लोग बताना ये कौन सा चैप्टर है, ये आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज नहीं, कुछ भी ले सकते हो, मतलब आप बताना कौन सा चैप्टर है। वैसे हेडिंग्स तो आप बता ही सकते हो कौन सा चैप्टर है, बट फिर भी देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट में बताना। और चलो मैं रिवाइज़ करती हूँ वाला चैप्टर। एंड आई नो मैंने बोला था कि जो ये वाला ब्लॉग आएगा उसमें मैं बता दूंगी गिव अवे विनर कौन है, बट आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली गिव अवे विनर जो विनर होते हैं उनको चूज़ करना इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज हम ऐसे किसी को चूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे किसी को चूज़ कर लेंगे तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा हकदार हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। सो इसलिए सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट आई प्रोमिस इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं पक्का गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगी। तब तक मेरे को थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो टाइम दे सकते हो। और जो लास्ट मंथ के 2 गिव अवे विनर थे उनका प्राइज पहुँचने में लेट इसलिए हो रहा था, बिकॉज जो स्टडी प्लानर था उनका मैंने जो प्राइस में था वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था। मैं बार बार चेक कर रही थी, आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, बट अगर मैं कुछ और देती तो फिर उनके लिए ही नाइंसाफ़ी होती, बट न चाहते हुए भी मुझे दूसरा स्टडी प्लानर देना पड़ा। बट उसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 100-150 का डिफरेंस है, बट न चाहते हुए मुझे दूसरा देना पड़ा, बिकॉज यार वो मेरे घर पर तो बनता नहीं है, कंपनी बनाती है, तो फिर ठीक है आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था और मुझे जल्दी देना भी था, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इतना डिले हो और लोगों को लगे अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। होप विनर्स को पसंद आया। और ये बॉटल मैं कब से आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बिकॉज ये मैंने मिल्टन का लिया है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब है। आई थिंक ये पीतल पूरा है ही नहीं, जिसमें कलर इसका निकल गया है। सो अगर आपके सजेशन में कोई अच्छा पीतल का बॉटल हो तो मेरे को सजेस्ट करना। और ये ब्रेड की कल होने वाली है एक्सपायरी डेट, इसको इग्नोर करना, ये कॉटन लगा हुआ है। और मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। सो ये जब तक तल भुन रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो इसके आगे का मैं शूट नहीं कर रही हूँ। आप लोग ब्रेड पकौड़े खा के जाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और मेरे को खाना बनाना पसंद है, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ ये सब चीज़ें, तो ये मेरे दूसरे वाले चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, खाने वाले लोग हो, खाना आपको पसंद है, खाना आपको देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय, टेक केयर।